अच्छा, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि फ्रंट और रियर के बारे में हमने सारी चीजें देखी, एक दो केसेस रह गए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्यू बना रहा हूँ, छोटी सी क्यू बना लेते हैं। कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर रख देते हैं। पहले ए आया, ठीक है, फ्रंट और रियर दोनों वन हो गए। फिर बी आया, फ्रंट चाहिए, नीचे इंडेक्स लिख देता हूँ 1 2 3 4। फिर सी आया तो फ्रंट वन पे रहेगा, रेयर जो है सी और सी पर आ गया। और डी आया आखिर में, तो रेयर की वैल्यू अपडेट हो गई तो ये रेयर आ गया। तो जाहिर है ये अब तो मजीद इंसर्शन नहीं हो रही, लेकिन अब डिलीशन हो रही है। ठीक है, पहले ए को सर्विस मिल गई, ए को सर्विस मिल गई, ए बाहर चला गया क्यू से। ठीक है, तो क्यू फिर फ्रंट की वैल्यू अपडेट होगी, फ्रंट ये हो जाएगा। ठीक है, फिर बी को सर्विस मिल गई, बी बाहर चला गया क्यू से, फ्रंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, फ्रंट ये हो जाएगा। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन, 3 हो गया फ्रंट। फिर सी को सर्विस मिल गई, सी चला गया, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन होगा, फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 4। अब देखो फ्रंट भी वन है और रेयर भी वन है, ठीक है, और हमने आखिर में डी को भी सर्विस दे दी, डी को भी सर्विस। जब दो फ्रंट और रियर जब बराबर पहुंच जाए, जब फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो जाए, उसका मतलब ये होता है कि क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है, ठीक है, सिंगल एलिमेंट है क्यू में। और जब हमने इसको भी सर्विस दे दी, तो उस वक्त फ्रंट चूंकि एन पे पहुंच चुका था, ये एन है आखिरी पे आ गया फ्रंट, ठीक है, फ्रंट एन पे आ गया था। और जाहिर है जब सर्विस जब एक ही एलिमेंट रह जाए, यानी कि फ्रंट रियर, ये वाली कंडीशन है, जब फ्रंट रियर दोनों बराबर वन के हो जाए, दोनों बराबर, जब फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो जाए, और उस पर अगर आपने डिलीशन कर दी, तो फ्रंट भी जाहिर है फ्रंट और रियर जब एक इंडेक्स पर आ गए 4 पे, और उस पर डिलीशन कर दी, तो फ्रंट क्या हो जाएगा, 0। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था फ्रंट भी 0 हो जाएगा, रियर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट भी 0 हो जाएगा, रियर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि तो क्यू में कुछ है ही नहीं, क्यू एम्प्टी है। तो अगर मेरे फ्रंट 0 है, अब मैं दोबारा से मैं आपसे कह रहा हूँ डिलीशन करो, अब तो क्यू खाली हो चुकी है, फ्रंट की वैल्यू 0 है, तो क्या अब मैं डिलीशन करने जा रहा हूँ, तो क्या डिलीशन हो सकती है, मजीद डिलीशन हो सकती है अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है? जी, मजीद डिलीशन हो सकती है अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है? यस सर, हो सकती है। तो हो सकती है। किसको डिलीट फिर करेंगे, सर क्यों में तो कोई है ही नहीं, किसको सर्विस देंगे? नहीं, कोई भी नहीं है, नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती ना, तो क्योंकि नहीं। क्यू में कोई है ही नहीं, तो फ्रंट की वैल्यू नल है, 0 है, क्यू में है ही नहीं, सर्विस नहीं हो सकती। लेकिन आपका फिर हम क्या कहेंगे, दिस इज अंडर फ्लो कंडीशन। अंडर फ्लो का मतलब क्या है, कि द क्यू इज, देयर इज नथिंग इन द क्यू इज एम्प्टी, एंड इफ यू वॉन्ट टू गिव सर्विस टू एनीबडी, सो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज द कंडीशन इज अंडर फ्लो। ठीक है, तो अंडर फ्लो कंडीशन में पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी को सर्विस दी जा सके, फ्रंट की वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती क्योंकि क्यू में कुछ है ही नहीं। तो अंडर फ्लो कंडीशन समझ में आ गई? अंडर फ्लो कंडीशन क्या है, फ्रंट की वैल्यू जब नल हो तो उस पर डिलीशन पॉसिबल नहीं है, ये अंडर फ्लो है। ठीक है, जब फ्रंट की वैल्यू नल हो, 0 हो, क्यू एम्प्टी है, उस वक्त डिलीशन पॉसिबल नहीं है, ये अंडर फ्लो कंडीशन है। दूसरे लफ्जों में यानी कि बिल अदा हो रहे हैं, बिल कब तक अदा होते रहेंगे, जब तक कि अंडर फ्लो कंडीशन ना आ जाए। जैसे ही अंडर फ्लो कंडीशन आ जाएगी, बिल अदा होना बंद हो जाएंगे, ऐसे ही है ना, लोगों को सर्विस देना बंद हो जाएगी जैसे ही अंडर फ्लो कंडीशन आ जाएगी। और जैसे ही ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी, उसके बाद क्यू के अंदर एंट्री बंद। ओवरफ्लो मैक्सिमम लिमिट है, क्योंकि अंडर फ्लो का मतलब है क्यू खाली है, अब मजीद सर्विस नहीं दी जा सकती। तो डिलीशन करते वक्त अंडर फ्लो की कंडीशन चेक होगी हर बार, कि अंडर फ्लो तो नहीं हो रहा। डिलीशन करते वक्त हर मरतबा अंडर फ्लो चेक करोगे, और इंसर्शन करते वक्त हर मरतबा ओवरफ्लो चेक करोगे। ठीक है, कि ओवरफ्लो तो नहीं हो गया, क्योंकि क्यू जो है अपनी मैक्सिमम लिमिट पे तो नहीं चली गई। तो इंसर्शन करते वक्त हमेशा हर मरतबा ओवरफ्लो चेक करोगे, और डिलीशन करते वक्त हर मरतबा अंडरफ्लो चेक करोगे। एनी क्वेश्चन?
क्लियर है बात? सर अंडरफ्लो और ओवरफ्लो को एक बार बता दें कि अंडरफ्लो चेक करते वक्त हम लोग जब आपकी क्यू खाली हो तो आप मजीद आप सर्विस किसी को नहीं दे सकते, फ्रंट अपडेट नहीं होगा ना, तो अंडरफ्लो है। ओवरफ्लो का मतलब है कि आपका रेयर अपडेट कर फ्रंट शुरू में खड़ा है क्यू के और रेयर आखिर में चला गया क्यू के, अब रेयर में कोई गुंजाइश नहीं है, या फ्रंट प्लस वन करके अगर आप रेयर पे पहुंच जाओ तब भी ओवरफ्लो कंडीशन होती है। ओवरफ्लो कंडीशन ये थी ना, ओवरफ्लो कंडीशन दो है, एक ओवरफ्लो कंडीशन क्या है, एक ओवरफ्लो कंडीशन ये है कि आपका फ्रंट शुरू में मौजूद है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ए है, फिर बाद में बी आया, सी आया, डी आया, ठीक है, तो ये रेयर रेयर ये रेयर यहाँ तक पहुंच गया, ये ओवरफ्लो कंडीशन है कि बाद में फॉर एग्जाम्पल अगर ई आता है तो ई को तो आप प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, ई आया ई को आप प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि फ्रंट वहां कहां पर खड़ा है, वन पे, और रेयर कहां पर खड़ा है, फोर पे, यानी कि अपनी मैक्सिमम लिमिट पर, एन तक, एन का मतलब है जहां तक क्यू की लिमिट है वो एन ही है, एन क्या मतलब इसमें क्या है, फोर, तो अगर फ्रंट की वैल्यू वन हो, अगर फ्रंट की वैल्यू वन हो और रेयर की वैल्यू कहां तक चली जाए, एन तक, एन तक, एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहां हमारी एग्जांपल में फोर है, तो ये कंडीशन कौन सी है, ओवरफ्लो, ए वाली कंडीशन, ठीक है, अब कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर सर्विस मिल गई, एफ को सर्विस मिल गई, ए को सर्विस मिल गई, ए चला गया क्यू से बाहर, अब फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन हो जाएगा, अब फ्रंट कहाँ गया, यहाँ जो मैंने पहले पहले दिखाया था, तो ये जगह खाली हो गई, ठीक है, ये जगह जब खाली हो गई तो अब गुंजाइश बन गई एक के आने की, तो ई आना चाह रहा है, ई आएगा, ई आएगा तो ई कहाँ आएगा, फर्स्ट इंडेक्स में सर, अगर जो है रेयर आखिर तक रेयर वन है, ये मैंने आपको स्पेशल कंडीशन बताई थी कि फ्रंट अगर वन पे नहीं है, फ्रंट अगर वन पे नहीं है, तो फ्रंट वन पे नहीं है, फ्रंट टू पर है, फ्रंट वन पे अगर नहीं है और रेयर अगर एन आखिर तक जा चुका है, रेयर अगर आखिर पे खड़ा है, रेयर इज इक्वल टू एन है, फ्रंट वन पे ना हो, रेयर एन पे, रेन आर रेयर जो है वो एन पे खड़ा है, तो उस सूरत में, इस सूरत में पॉसिबिलिटी है कि इंसर्ट हो सकता है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, रेयर की वैल्यू क्या कर देंगे, वन, उस सूरत में रेयर की वैल्यू वन हो जाएगी, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस वन नहीं होगा बल्कि रेयर की वैल्यू वन हो जाएगी क्योंकि सर्कुलर बनेगा, ठीक है, ई यहाँ आ जाएगा, और रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस वन नहीं होगा बल्कि रेयर इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ये स्पेशल कंडीशन थी, पिछली बार तो वही बताई और दोबारा बता दी। आप बताओ अभी भी, अब कोई अगला एलिमेंट आना चाह रहा है तो अगला एलिमेंट आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता सर, जगह ही नहीं है, जब जगह नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन हुई, और ये भी ओवरफ्लो कंडीशन है, लेकिन ओवरफ्लो कंडीशन के अंदर पहली ओवरफ्लो तो ये थी, फ्रंट वन पे था, रेयर एन पे था, लेकिन यहाँ पर ये भी ओवरफ्लो कंडीशन है, तो इसका ये ओवरफ्लो कंडीशन क्या है कि अगर रेयर में एक प्लस वन कर दोगे, रेयर में एक प्लस वन करोगे और अगर आप फ्रंट पे आ जाओ, रेयर में एक जमा करके अगर आप फ्रंट पे आ जाओ, तो इसका मतलब है ये भी ओवरफ्लो कंडीशन, ऐसे ही हो रहा है ना, रेयर में एक जमा करोगे, रेयर प्लस वन करोगे, कहाँ आ जाओगे, फ्रंट पे, तो ये भी ओवरफ्लो कंडीशन है, ठीक है, तो ओवरफ्लो कंडीशन क्लियर हो गई, अंडरफ्लो कंडीशन क्लियर हो गई, और इंसर्शन और डिलीशन का सर्कुलर होता है क्यू, तो इंसर्शन डिलीशन क्लियर हो गया आपको कि फ्रंट आखिर में पहुंच जाए तो फिर फ्रंट वन पे चला जाता है, रेयर आखिर में पहुंच जाए, रेयर की वैल्यू एन तक चली जाए तो रेयर भी वन हो जाता है, बस यही सारी चीजें थी टोटल। अब हमें उसको समझना, हमने सारी चीजें समझ ली है, एल्गोरिथम वगैरह भी समझने में आसानी हो जाएगी। बस ये रिजल्ट नहीं लेते, इसको हटा ही लेते, ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये आपको स्लाइड सारी समझ में आ जाएगी, फ्रंट कब करते हैं, फ्रंट प्लस वन, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन कब करते हैं, जब भी रेयर के अंदर डिलीशन करते हैं। अब यहाँ पर पढ़ो, ये फ्रंट इज इक्वल टू नल, अगर फ्रंट नल है तो इसका मतलब क्या है, क्यू एम्प्टी है, ठीक है, अब सारी बातें आपको समझ में आएंगी जो लिखी हुई है कि क्यू क्या है, एम्प्टी है, और अगर फ्रंट की वैल्यू और
जब भी डिलीशन होगी क्यू में से, जब भी डिलीशन होगी तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन होगा, क्यू में जब भी डिलीशन होगी तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन होगा। अच्छा ब्रेक कब तक मिलेगा, टाइम क्या हो गया? सर 10:06। अच्छा बस 5 मिनट बाद दे देते ब्रेक। और इसी तरह से जब भी एडिशन होगी रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस वन हो जाएगा, ये भी आपने देखा ठीक है। तो जब भी रेयर की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी इन द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ इंसर्शन, बस इन द केस अगर रेयर की वैल्यू आखिर में चली गई एन तक, तो फिर रेयर की वैल्यू रेयर प्लस वन नहीं होगी, उस सूरत पर रेयर की वैल्यू वन हो जाएगी। अच्छा जी अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आएगी स्लाइड सारी। अब देखो तो ये है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ये इंसर्शन होती जा रही है। तो इस कंडीशन के ऊपर फ्रंट की वैल्यू क्या है, वन, रियर की वैल्यू क्या है, फोर ठीक है। फ्रंट ये रहा जो हेड है और रियर फोर ये रहा। लेकिन जब इसको निकाल दिया, इसको सर्विस मिल गई, तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन हो रहा है, रियर अपनी जगह मौजूद है फोर पे ठीक है। तो अब आपको इसमें आसानी रहेगी, समझ में आ रही होगी सब चीज़ें जो तो हमने डिमोन्स्ट्रेशन वहां पर करके देख ली। तो फ्रंट की वैल्यू टू ही है, फ्रंट की वैल्यू टू ही है ठीक है, यहाँ पर फ्रंट की टू है, लेकिन रियर की वैल्यू एक और आ गया, एफ आ गया तो सिक्स हो गई। फिर एक और निकाल दिया, बी को सर्विस मिल गई, जब बी को सर्विस मिल गई तो फ्रंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, फ्रंट की वैल्यू पहले टू थी, अब फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी थ्री ठीक है। ये फ्रंट हो गया, ये फ्रंट हो गया, और ये एफ 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 क्या हो गया, रेयर हो गया, ये वही जो रेयर था। तो अब ये सारा चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो क्यू इज सर्कुलर, जैसे मैंने बताया था पहले, क्यू क्या है, सर्कुलर है, डेट मीन्स क्यू वन कम्स आफ्टर क्यू एन इन द एरे। जब एन पे पहुंच जाएगी कहानी तो फिर वापस कहां पर आएंगे आप, क्यू के फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे। अच्छा ये आगे एल्गोरिदम है, तो ये चलो ब्रेक के बाद फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम पढ़ लेते हैं। सर अभी कोई होगा हाँ अभी क्विज, ना क्विज करते होगा, क्विज जो है ना मैं एलएमएस पे क्विज प्लेस कर रहा हूँ, तो 5 मिनट के बाद वहां से ले लीजिएगा ठीक है। और क्विज का टाइम जो अभी है करना पड़ेगा वो कुछ हम खत्म करेंगे 15 मिनट का, मतलब कि 10:30, 10:30 बजे आपका हो जाएगा, 10 मिनट, 10:40 पे हम खत्म कर देंगे ठीक है, 10:40 पे बंद कर दूंगा। क्विज ठीक है। ओके सर, हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी ओके 10:40 पे, हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्विज का टाइम भी ऑफ हो जाएगा सही है। तो सही है, ओके ठीक है सर। मैं ये मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ और क्विज स्टार्ट करता हूँ, एलएमएस से क्विज पिक कर लीजिएगा।